नमस्कार दोस्तों, आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ सोनम। टाइगर और दिशा पाटनी का रिलेशनशिप कई सालों से चर्चा में रहा है। टाइगर और दिशा एक साथ बागी 2 में भी काम कर चुके हैं और दोनों एक दूसरे के साथ आए दिन दिख जाते हैं। टाइगर और दिशा के प्यार को उनके घर वालों ने भी कबूल कर लिया है। पिछले कुछ दिनों से दिशा पाटनी टाइगर को लेकर काफी टेंशन में चल रही थी। दिशा पाटनी टाइगर को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव है। वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये सारी खबर दिशा के पास रहती है। दिशा पाटनी की टाइगर के फोन पर भी नजर बनी रहती है, उनके मैसेज भी पढ़ती रहती हैं दिशा। टाइगर अगर किसी और लड़की के साथ फ्रेंडली होते हैं तो दिशा का मूड खराब हो जाता है। टाइगर श्रॉफ आजकल अनन्या पांडे और तारा सुतारिया के साथ करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सीक्वल में काम कर रहे हैं। वैसे तो इस फिल्म में अनन्या पांडे के अलावा तारा सुतारिया भी हैं, लेकिन खबर यह है कि फिल्म के सेट पर टाइगर की अनन्या पांडे से कुछ ज्यादा ही बनती है। कहा जा रहा है कि जब से टाइगर ने अनन्या के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू की है, तब से टाइगर की गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग दिशा न सिर्फ बॉयफ्रेंड टाइगर के फोन पर नजर रखती हैं, बल्कि टाइगर को फीमेल को स्टार से दूरी बनाए रखने को भी कहती हैं। सिर्फ यही नहीं, दिशा को तो टाइगर का सोशल मीडिया पर भी किसी फीमेल एक्टर की पिक्चर को लाइक करना भी गवारा नहीं है। टाइगर श्रॉफ दिशा के प्यार में दीवानी है, ऐसे में जो दिशा कहती हैं वो वही करते हैं। साथ ही दिशा के ओवर पॉजिटिव बिहेवियर की वजह से टाइगर के दोस्तों की भी दिशा पाटनी से नहीं बनती है। दिशा की वजह से टाइगर के कई दोस्त दूरी बना चुके हैं। उन्होंने टाइगर को उनकी किसी भी फीमेल को स्टार से फोन पर बात करने के लिए भी मना कर रखा है। दिशा लगातार टाइगर पर नजर बनाए रखती हैं। कुछ दिन पहले टाइगर ने अपने मोबाइल का पासवर्ड भी बदल दिया था। जब दिशा को ये पता चला कि टाइगर ने अपने मोबाइल का पासवर्ड बदल दिया तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। फोन के पासवर्ड को लेकर टाइगर और दिशा के बीच में काफी झगड़ा भी हुआ था। हम आपको बता दें कि जिस जमाने में टाइगर श्रॉफ निधि अग्रवाल के साथ फिल्म मुन्ना माइकल की शूटिंग करते थे, उस दौरान भी दिशा पाटनी काफी इनसिक्योर रहती थी। वो अक्सर बिना बताए टाइगर की फिल्म के सेट पर पहुंच जाया करती थी। टाइगर और दिशा पिछले 2 सालों से साथ थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच ब्रेकअप की खबरें सामने आ रही हैं। वेल दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, ये E24 ने भी अपनी खबर में बयां किया है। तो फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, गिव अस कमेंट इन कमेंट सेक्शन बिलो। अब हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।